भाई सलमान खान का एक डायलॉग है कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी फिर मैं किसी की नहीं सुनता। अब ये कमिटमेंट ऐसा लगता है कि बिग बॉस के मेकर्स पर बहुत भारी पड़ती है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि इस बार यानी कि बिग बॉस 16 के लिए कितने करोड़ जा रहे हैं सलमान की जेब में, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हृदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म विंडो पर। वाला आपको बता दूँ कि लगातार काफ़ी एक दशक हो चुका है, अगर यहाँ पे काउंट किया जाए एक दशक हो चुका है, और बहुत जल्द यानी कि आफ्टर 4 साल बाद जो है वो दूसरा दशक भी पूरा हो जाएगा अगर यहाँ पर सलमान खान लगातार इस शो को होस्ट करते रहते हैं। ऐसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि बिग बॉस के 16 के लिए कितनी फीस जो है वो सलमान खान की जो है वो खबरें आ रही है। आपको बता दें कि बिग बॉस 15 ओवरऑल जब सलमान खान ने होस्ट किया है उसके ओवरऑल जो उनकी फीस रही है 350 करोड़ रही है, और यानी कि लमसम अगर अमाउंट में लगाऊं तो 16 से 17 करोड़ पर एपिसोड यानी कि पर वीकेंड के हिसाब से जो उनके चार्जेस रहे हैं। अब आपको बता दें यहाँ पर कि बिग बॉस के घर में कई सारे कंटेस्टेंट जो है वो नज़र आने वाले हैं जिन्हें 99% कन्फर्म बताया जा रहा है, जिसमें नाम है मुनव्वर फारूकी का, फैजल शेख, शिविंग नारायण एंड विविंद सेना। इसके साथ साथ आपको बता दें पूनम पांडे, सनाया ईरानी, जन्नत जुबेर, टीना दत्ता, आजमा फल्ला, मोहित सहगल, दिशा परमार, प्राची देसाई, अंकिता लोखंडे, अंजलि अरोड़ा, साइशा सिंधे, कनिका मान, दीपिका सिंह, करण पटेल, शाइनी आहूजा एंड मुनमुन दत्ता, ये भी जो है वो कंसिडर किए जा रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये भी खबरें सामने आ रही है कि सलमान खान को इस बार जो मोटी रकम दी जाने वाली है वो ओवरऑल 1000 करोड़ रुपीस की हो रही है। आपको बता दें कि इस बार की अभी तक कोई जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का ये दावा है कि इस जो ये जो सीज़न है बिग बॉस का, इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूज ऑफ अमाउंट जो है वो सलमान खान की जेब में जाता हुआ नजर आएगा। सो गाइज, आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि देखिए सलमान खान ही इस शो को होस्ट करेंगे, अगर ये होस्ट करेंगे तो टीआरपी अच्छी रहेगी, टीआरपी अच्छी रहेगी तो मेकर्स पैसा कमाएंगे, मेकर्स पैसा कमाएंगे तो सलमान खान और कंटेस्टेंट की जेब में जाने वाला है। तो ऐसे में होस्ट जबरदस्त तो होना ही चाहिए, लेकिन कंटेस्टेंट भी होने चाहिए। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही सारी खबरें ऑन टाइम।